मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नगरीय आवास और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी निगम मंडलों में अब मंत्रियों को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पहले ये जिम्मेदारी प्रमुख सचिवों के पास थी और ये कदम सरकार के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कैबिनेट ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सोयाबीन की एमएसपी को बढ़ाकर 4,800 रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया। वर्तमान में सोयाबीन की कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं। जाहिर सी बात है, पिछली बार उन्होंने वादा किया था कि सोयाबीन स्टेट तो बन गया है मध्य प्रदेश, लेकिन किसानों को जो दाम है वो बढ़ाकर देने की दिशा में वो कोशिश करेंगे, तो क्या उसी कोशिश का नतीजा माना जाए? चलिए, संपर्क उनसे हमारा टूट गया, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोयाबीन स्टेट मध्य प्रदेश बन चुका है और अब सोयाबीन के जो किसान हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि एमएसपी जो है उनका 4,800 रुपए किया जाएगा। इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव दिया गया है, तो बहुत जल्द केंद्र जो है इस पर मंजूरी दे सकता है, क्योंकि पिछली बार जब कृषि मंत्री आए थे उस वक्त किसानों से वादा किया था कि वो किसानों के लिए, बेहतरी के लिए कुछ ठोस करेंगे। और इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस समय सोयाबीन को लेकर लगातार बात हो रही थी, उसी वक्त एक बार दौरा बीच में किया था केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और उन्होंने उस वक्त किसानों से कहा था कि वो उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे, तो क्या माने कि अब उनका ही जो एक उनकी जो बात थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्द अब किसानों को इससे फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें तो एमएसपी सोयाबीन को लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश में मांग होती रही है, और जिस तरह से अगर हम देखें पूरा की पूरा ये पूरा मसला है उसमें आश्चर्यजनक रूप से, चूंकि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान आते हैं पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर नहीं हो रही है, उसके बाद ही जो है मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी फैसला लिया। आज कैबिनेट ने बकायदा इसके प्रस्ताव को भेजने का प्रस्ताव बनाया गया है और केंद्र को भेजा गया कि मध्य प्रदेश के किसानों को भी सोयाबीन पर एमएसपी का लाभ दिया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन एक और फैसला लिया गया है निगम मंडलों को लेकर, उसको लेकर भी हम चाहेंगे कि आप बताएं कि इस फैसले तक कैसे पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनको उम्मीद होती है कि निगम मंडलों में उनको मौका मिलेगा, बड़ा अनुभव है, लंबे समय से संगठन में जुड़े हैं। देखिए, कहा गया है कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो जल्दी नहीं होगी, इसका इशारा मुख्यमंत्री ने किया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक चर्चा में कहा है कि मंत्रियों को निगम मंडल में अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि संबंधित विभाग से जो संबंधित निगम मंडल है उनके अधिकार फिलहाल मंत्रियों को देने की बात कही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में उन लोगों की उम्मीदों पर असर पड़ता है जो राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से पद की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि देखना होगा ये कितने प्रतिशत ऐसा किया जाता है, कितने फीसदी फिलहाल मुख्यमंत्री की बात का कहीं ना कहीं यही असर देखा जा रहा है या माना जा रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री सीधी सीधी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करने की तैयारी में नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनुराग जी। you